अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, एक दफा फिर बिलाल उमर आपको यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो जो मैं पोस्ट करूंगा वो एक्सेल की हमारी लास्ट वीडियो होगी, और आज मैं वही करने जा रहा हूँ, अपने एक्सेल को वाइंड अप करेंगे। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि एक्सेल एक छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, हम उसको अभी इस लेवल पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो उसके अंदर मोटी मोटी चीजें थी जिनके जो हम वाइडली यूज करते हैं एज एन ऑफिशियल पर्सन, वो मैंने आपको बता दी आपके छोटे भाई की हैसियत से, आपके दोस्त की हैसियत से। ठीक है, आपसे बस एक ही गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, 2016 का वर्जन है मेरे पास। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, मर्जिंग वर्कबुक्स। मैं वही आपका टेबल बनाऊंगा जो मैं रेगुलर बनाता हूं, आईडी नेम सेक्शन, नेम वाले कॉलम को कर लेते हैं थोड़ा सा वाइट। ठीक है, तो यहां पे हम कर लेते हैं बॉर्डर्स अप्लाई। ये सब वीडियोस मैंने बताया होगा कि बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है, टेबल कैसे बनाना है, चार्ट कैसे बनाना है, डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करना है। मैं उन सब वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, और आपसे गुजारिश ये होगी कि डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, उसमें आपके काम की चीजें हैं। और वैसे भी आप जब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे उसमें जो लिंक्स हैं वो आप उन पर गो थ्रू करेंगे, उनकी वीडियोस देखेंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे जैसे आप हमारी वीडियोस को देखेंगे, हमारी वीडियो वर्ल्ड वाइड में फैलना शुरू हो जाएगी, तो सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी पूरी दुनिया के लिए ये हमारी वीडियो एस एच तोहफा या फिर एक बेनिफिशियल वीडियो के तौर पर सामने आएगी। ठीक है, तो मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, मैंने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिए, जो फर्स्ट रो मैंने उसको आइडेंटिटी क्लियर करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके हाईलाइट करके इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करके यानी कि मेकअप वगैरह लगा के मैंने एक टेबल जैसे बना ली। ये टेबल आपके सामने बना पर है। ठीक है, तो अब हम करेंगे पहले शेयर, क्योंकि हमने मर्ज करना है, और मर्ज सिर्फ वही वर्कबुक्स अगर हो सकती है जो कि शेयर हुई होती है। ठीक है, तो मैं करता हूँ शेयर, प्रीव्यू टैब में जाके मैंने शेयर वर्कबुक पर क्लिक किया, यहाँ पे अलाउ चेंजेस वाले को चेक किया और मैंने किया ओके प्रेस। तो देखिए उसने हमारे पास एक विंडो ओपन की जिसको लिखा है सेव एज, यानी कि शेयर करने से वर्कबुक को सेव जरूर करेगा। डेस्कटॉप पे मैंने सेव करनी है, इस फाइल को मैं नाम दूंगा मास्टर फाइल का नाम दिया और कर लिया सेव। ठीक है, एक्सेल को किया क्लोज। ठीक है, अब ये हमारे पास एक मास्टर फाइल आ गई। अब मैं इस मास्टर फाइल की कॉपीज बनाऊंगा, कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी की शॉर्टकट किया, कंट्रोल वी प्रेस किया, उसने कर दिया पेस्ट मास्टर फाइल कॉपी। मैंने दोबारा फिर कंट्रोल सी प्रेस किया और दोबारा फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, तो उसने यहाँ पर एक और कॉपी बना दी, कॉपी टू। ठीक है, ये देख लिया उसने हमारे पास एक कॉपी टू बना दी है। अब मैं करूंगा क्या, मास्टर फाइल बनाई थी मैंने खुद एज एन ऑथर, एज एन मैनेजर। ठीक है, अब जो मेरे नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, अब उन्होंने अपनी डाटा एंट्री करनी है, तो वो इस इन कॉपीज को ओपन करेंगे, उसमें डाटा एंट्री करेंगे अपने अपने से की और फाइल को सेव कर देंगे। बाद में मैं उन फाइल्स को मर्ज करूंगा, दैट विल बी टू इंटरेस्टिंग टॉपिक। मास्टर फाइल को मैंने किया, तो मास्टर फाइल की कॉपी को मैंने किया ओपन एज एन यूजर वन। ठीक है, मेरा काम यह था कि मैंने आईडीज एंटर करनी थी 101, 102, 103 और 104। ठीक है, 104 नेम मैंने एंटर करने थे, पहला नाम मैं अपना एंटर करूंगा बिलाल। ठीक है, मेरा सर नेम उमर, उसके बाद अली, उसके बाद शाहिद। ठीक है, मेरा काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट, मैंने फाइल को किया सेव कंट्रोल एस से, फाइल हो गई सेव, एक्सेल को किया क्लोज। अब बारी आ गई यूजर टू की। ठीक है, यूजर टू ने ओपन की मास्टर फाइल कॉपी टू। ठीक है, उसका काम था सेक्शन ऐड करना, उसने सेक्शन ऐड करना स्टार्ट कर दी, ए बी ए और सी। ठीक है, उसका काम भी यहाँ पे होगा कंप्लीट, उसने फाइल को किया सेव
उसने भी कर दी फाइल क्लोज। अब मैं दोबारा से मुझे पता चला कि उन दोनों यूजर्स ने अपनी डेटा एंट्री कंप्लीट कर ली है, तो मैंने एज एच मैनेजर किया, मैंने मास्टर फाइल को किया ओपन, ठीक है, मैंने मास्टर फाइल को किया ओपन, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास एक पूरा टेबल बना पड़ा है। अब मैंने इसमें डाटा एंट्री करनी है। डाटा एंट्री करने के लिए एक्सेल के क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो सबसे ऊपर लाइन इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे ये सेव की ऑप्शन है, अनडू रीडू है, और उसके बाद ये कैपिटलाइजेशन थ्री डिफॉल्ट्स है, यहाँ पे ये देखिए गोल अरेंजमेंट कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स, ठीक है। ये ऑप्शन अक्सर जो बच्चे होते हैं उनकी कंप्लेन आती है कि सर ये ऑप्शन हमारे एक्सेल में आ नहीं रही, तो कैसे लेके आनी है, रिमूव डैमेज आना है, ये जो खाली हिस्से यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स हमने कर देना है ऑल कमांड्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हमने सी प्रेस करना है, और यहाँ पे हमने देख लेना कंपेयर एंड मर्ज वर्क, ठीक है, तो ये देखिए कंपेयर एंड मर्ज वर्क, ठीक है, यहाँ से आपने इसको कर लेना है एड, मैंने पहले ऐड किया हुआ है, तो मुझे डायलॉग बॉक्स अपीयर कर यू है ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर एक्सेस टूल बार, यहाँ से आपने करना है ओके, और यहाँ पे देख ले आपके पास ऑप्शन आ जाएगी गोल दायरे वाली, आपने करना है इसको क्लिक, तो वो आपको पूछेगा कि कौन सी फाइल्स आपने मर्ज करनी है, ठीक है, बोले सेलेक्ट फाइल्स टू मर्ज इनटू करंट शीट, मैंने कॉपी 1 कॉपी 2 मर्ज करनी है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा पहले कॉपी 1 को, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया कॉपी 2 को, मैंने प्रेस किया कर दिया ओके, तो उसने हमारे पास डाटा ले आया, ठीक है, ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी पिछली बातें थी, फॉर एग्जांपल कि इनके शेयर वर्कबुक है, तो उसमें मर्जिंग हमने की, हमें ये भी नहीं कंफर्मेशन कि एक डाटा सही एंट्री हुई है गलत हुई, तो हम ट्रैक चेंजेस करेंगे, हाईलाइट चेंजेस में जाके यहाँ पे मैंने इसको किया अनचेक, इसको किया मैंने लिस्ट न्यू शीट, तो मैंने प्रेस कर दिया ओके, वो हमारे पास एक नई हिस्ट्री ले आया, यानी कि सब कुछ इस तरह चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रैक चेंज दोबारा शीट 1 पे आया, जो हमारी फाइल जहाँ पे बनी हुई थी, मैंने ट्रैक चेंज में गया, मैंने एक्सेप्ट चेक चेंज को क्लिक किया, उसने मुझसे पूछा कि ये चेंज हुआ है, आपने इसको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, ठीक है, मैंने इसको किया एक्सेप्ट, उसके बाद ये चेंज हुआ है आपने इसको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, मैंने इसको भी एक्सेप्ट किया, तो ऐसे मैंने खुद सारी फाइल बनाई है, तो मेरे पास तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और अगर आप कभी अपने ऑफिशियल इसके लिए करें तो आप जरूर एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंज वाले ऑप्शन को देख लीजिएगा, मैं एक्सेप्ट ऑल कर रहा हूँ, तो हमारा एस एच एक फाइल जो हमने मर्ज की है वो मैं एज ए मैनेजर मेरे पास वो फाइल आ गई है, वो इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो थी, तो एक ही गुजारिश रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये लाफेज, सी यू सून विद द पावर पॉइंट्स।